नमस्कार दोस्तों, बिजनेस की बात प्रोग्राम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देश भर में कोरोना वायरस की जंग के बीच एक राहत की खबर है। जी हां, गृह मंत्रालय ने दुकानें खोलने पर एक निर्णय लिया है, आइए जानते हैं। गृह मंत्रालय ने नॉन हॉटस्पॉट एरिया में 25 अप्रैल से दुकानें खोलने का आदेश दिया है। रमजान के पावन महीने की पूर्व संध्या पर आने वाले गृह मंत्रालय के आदेश को उन सभी व्यवसायों के लिए राहत के रूप में देखा जा रहा है जो 24 मार्च से लॉकडाउन की मार झेल रहे हैं। इस आदेश के बाद देश भर में क्या खुला रहेगा, आइए जानते हैं। वो सभी दुकानें जो संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की दुकानें और स्थापित अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड हैं। नगर निगमों और नगर पालिकाओं की सीमा के भीतर आवासीय परिसरों में दुकानें, नगर निगम और नगर पालिकाओं की सीमा के भीतर पड़ोस की दुकानें, सैलून और पार्लर, नगर निगमों और नगर पालिकाओं की सीमा के भीतर स्टैंड अलोन दुकानें, मॉल्स को छोड़कर ग्रामीण क्षेत्रों के सभी बाजार, सिर्फ जरूरी सामानों के लिए सभी ई कॉमर्स कंपनियां, शहरी क्षेत्रों में सभी गैर जरूरी सामान और सेवाएं, बशर्ते वो नगर निगमों और नगर पालिकाओं की सीमा के भीतर हो। अब जानते हैं इस आदेश के बाद क्या नहीं खुलेगा। शराब की दुकानें नगर निगम और नगर पालिकाओं की सीमा के बाहर, मार्केट कॉम्प्लेक्स नगर निगमों और नगर पालिकाओं की सीमा के बाहर, मल्टी ब्रांड या सिंगल ब्रांड मॉल्स की दुकानें, मार्केट कॉम्प्लेक्स और शॉपिंग मॉल की दुकानें मल्टी ब्रांड और सिंगल ब्रांड मॉल, हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन में दुकानें। एक सबसे जरूरी बात, सरकार ने जिन दुकानों को खोलने की अनुमति दी है उनके लिए क्या अनिवार्य है, इस बात को भी जानेंगे। लेकिन यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द ही सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम हर अपडेट आप तक पहुंचा सके। तो चलिए जानते हैं सरकार ने जिन दुकानों को खोलने की अनुमति दी है उनके लिए क्या अनिवार्य है। दुकानों में काम करने वाले कर्मचारियों का 50% से अधिक स्टाफ नहीं होना चाहिए। मास्क पहनना सभी के लिए अनिवार्य है और सोशल डिस्टेंसिंग यानी सामाजिक दूरी का पालन भी अनिवार्य है। उम्मीद है आप सभी गृह मंत्रालय के इस आदेश को स्वीकार करते हुए अपने बिजनेस को दोबारा शुरू करने के लिए काफी एक्साइटेड हैं। तो जल्द मिलते हैं एक नई खबर के साथ, तब तक आप हमें अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिख भेजिए।